अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशरफ चौधरी है, मैं एक सेल्स ट्रेनर हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपनी वर्कशॉप कंक्लूड की है और अभी मैं एक मकामी होटल में बैठा हूँ और एक क्लाइंट का इंतज़ार कर रहा हूँ, उनके साथ मेरी मीटिंग है। तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा कि आपके साथ कोई बात की जाए। दोस्तों, एक चीज़ जिसका मैं हमेशा से कायल रहा हूँ कि लोग हमें रिस्पेक्ट उस वक्त देते हैं, हमारी कदर उस वक्त करते हैं, हमें अप्रिशिएट उस वक्त करते हैं जब हम अपनी कदर खुद कर रहे होते हैं। लोगों की नज़र में जो हमारी कदर होती है वो अपनी ही कदर के मल्टीपल्स में होती है। अगर मैं अपनी रिस्पेक्ट नहीं करता, अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करता, मेरा अपना जो राय है अपने बारे में वो इनएडिक्वेट है, वो कम है, तो लोग भी मेरी राय को, मेरी जो कीमत है मार्केट में या मेरी जो कदर है उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे काम करना, सेल्फ इमेज पे काम करना, ये हर इंसान की एक प्राइमरी जॉब डिस्क्रिप्शन है। अगर आप अपनी कदर नहीं करोगे, अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करोगे या आपकी नज़र में ख़ुद आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी तो कोई बंदा आपको कोई वैल्यू मार्केट में नहीं देगा। मेरी इस वीडियो के ज़रिए उन तमाम दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि वो अपने आप पे जब काम करें तो अपनी सेल्फ़ वर्थ जो है, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, सेल्फ़ इमेज है, उसका ज़रूर एहतमाम करें कि इस वक्त आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो। अगर आप ख़ुद अपने आप को स्मार्ट नहीं समझते तो ज़माना भी आपको स्मार्ट नहीं समझेगा। अगर आप खुद अपने आप को इंटेलिजेंट नहीं समझते तो ज़माना भी आपको इंटेलिजेंट नहीं समझेगा। अगर आप समझते हो कि जी मैं तो बिल्कुल आम सा आदमी हूँ तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी आपको एक इंटेलिजेंट आदमी समझने में। पहले आप खुद समझोगे, जो आपके अंदर होता है वही चीज़ बाहर रिफ्लेक्ट होती है, वही चीज़ लोग आपको उतनी ही इम्पोर्टेंस देते हैं। ये मैसेज अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगला मैसेज इंशाल्लाह मैं हो सकता है रात को दूं या कल दोपहर के वक्त में एक नया मैसेज रिकॉर्ड करूंगा। अल्लाह हाफिज़।